बहुत हेल्प किया चश्मा लगा के अंकल ने उनका। सर आई न्यू दिस स्पैरो, ये हमारा डोंगा जो बड़बट्टी में रोज दौड़े भी के गटर में पड़े रहता है। केयर टेकर है तो मैं अंडर टेकर हूँ। तो शर्म नहीं आती दूसरे के घर में घुस करके बहू बेटियों को ताड़ते हो? एक अलग पीस मैं, एक अलग पीस तो मैं ये रिश्ता पक्का समझू। इतना मारूंगा भिखारी भीख नहीं देगा। मेरा क्वेश्चन सही था, ये क्या है? I love this buddha. बहुत हेल्प किया चश्मा लगा के अंकल ने उनका। अब कलश दे दो वरना एक एक को इतना मारूंगा भिखारी भीख नहीं देगा। कलश क्यों? कैसा? एक मौका दीजिए प्राश्चित का, भरोसा कीजिए हम पे। लक्ष्मण दादाजी आइए, आइए दादी जी आइए, इस तरफ दादी जी आइए आइए। ये अच्छा किया अंकल को अंदर भेज दिया। क्या चाहिए? कलश, कलश ये। हाँ। लो। बस ये वही चारों जन है जिन्होंने मुझे 3 बार मारा था। इसको तो हमने पहले कभी नहीं देखा। नहीं नहीं ये कहीं और से तो पिट के नहीं आ गया? नहीं आपकी कसम बबली भाई। बबली कौन? ये इमेजिन शोले में गब्बर जी का नाम स्वीटी। फायर डॉन्ट फायर। मैंने सब सुन लिया है, समीर की अस्थियों की कसम, इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं। पार्टी बदल लिया साला। फायर फायर। गोली लाना भूल गए? हाँ गोली लाना भूल गए। अबे गोली घर पे है तो इससे क्या हॉकी खेलोगे? मारो जाके। अरे अरे मेरे मारो मेरे मुझे। ये क्या है? अपना क्वेश्चन करेक्ट कर, पूछ कौन है। कौन है? रघुनंदन दास गोवर्धन दास वकावले। नाम पूछा, एड्रेस नहीं। आप कुछ लेंगे? ब्लैक कॉफी? कोई दूसरा कलर नहीं है बरखुदा। लो चूजर्स कैन बी बैगर, मंगा लो। बाय द वे और कितने लोग रहते हैं सोसाइटी में? अबे सर ये बंगला है। पानी तो 24 घंटे आता है ना जी? आपको कैसे मालूम? अरे दिखता है यार, टंकी एकदम फुल है। का पिसार है? का कूड़ी थी? सर आई न्यू दिस फेलो, ये हमारा डोंगा जो बड़बट्टी में रोज बैठे बैठे गटर में पड़े रहता है। तुम इधर क्या करते है? मेरी अब से ये यहाँ रहने वाले हैं। क्या तू इधर सर्वेंट? मेरा पेट पर लात मारेंगे। सॉरी यार घर में झाड़ू पोछा करके गार्डन नहीं बना सकता, कुछ का गार्डन प्रॉब्लम है। चप्पल से बोल कर के बात चला। मेरी ये हमारा बंगला रेंट पे लेने आए हैं, ये जी सुपर लॉटरी जीते हैं ये। ट्रेम में डग मिलियनेयर। तो मैं ये रास्ता पक्का समझू? मैं रघु भाई वो 5 लाख 2.5 लाख अभी लो, 2.5 लाख गृह प्रवेश के बाद। मेरा क्वेश्चन सही था, ये क्या है? आह गोपू, क्या 20 सड़क पर क्या कर रहे हो गोपू? गाड़ियों के रोहित सेट्टी का इंतजार? अंदर भूत है। क्या? लड़की का भूत। ये लो लड़के लग गए। क्या? मैंने कहा तीनों लड़के काम पे लग गए, माधव लक्की लक्ष्मण, इन तीनों का काम ही यही है नकली भूतों के राम गोपाल वर्मा पैदा करना। अंदर सच्ची का भूत है। गोपू तू रात में जागता नहीं है लेकिन इन तीनों ने तुझे उल्लू बनाया। उल्लू लू उल्लू। नहीं 17 दिन पहले जो लड़की मरी थी उसका भूत है। अरे गोपाल बेटा मैं अभी अंदर जाकर के तेरा वहम दूर करता हूँ। मेरे विक्रम के भट्टों
प्लीज बाहर जाने दो। देखो बबली आया है। बबली सर आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। बबली शट ऑफ। मेरे चूहो के जिमी शेरगिल, क्या तुझे भी यकीन है कि आप भूत है? ऑफ कोर्स है। वो देखो तो सामने खड़ी है। प्लानिंग बना रहा है माधव। प्लानिंग काहे की? माधव अगर यहाँ भूत है तो भूत से जाके कह दो कि गेस्ट अपीयरेंस में बबली आया है। ये पिटेगा। गेस्ट की खिदमत तो करे धासू। वेयर आर यू मेरी भूतनियों की पिपास बासू। लगता है इसको मेरी तरह भूतनी दिखाई नहीं दे रही है। कान खोल कर सुन ले, तू केयर टेकर है तो मैं अंडर टेकर हूँ। बबली सर आप प्लीज यहाँ से कल्टी हो जाओ। कल्टी क्यों, मैं आज ही पीऊंगा। सो फार सो गुड। बुलाओ भूतनी को। हेलो ए बी सी डी। ए फॉर आत्मा, बी फॉर भूतनी, सी फॉर चुड़ैल, डी फॉर डायन। कम ऑन बेबी भूतनी, शो योर मूव। देख ले नहीं हो रहा है तो बोल दे, अभी भी 7.5 रुपए में बिक रहा है चतुर्वेदी का फ्रिज। बोलना। नहीं नहीं हो जाएगा। नहीं नहीं तू छोड़ दे, नहीं होगा तेरे से। एक मिनट हो जाएगा। अरे कैसे हो जाएगा? जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पे जल जा जल जा। अरे ऐसे कैसे? ये देखिए जल गया आदिल मिश्रा जी, आपके फ्रिज में इतनी लाइट डाल दी है, इतनी तो बराक ओबामा के फ्रिज में भी नहीं होगी। अरे इसमें बैठ के तो मैं अखबार पढ़ सकता हूँ मेरी जान। वाकई में लौंडे तुम्हारे नाम के शर्त ऐसे ही नहीं लगाते। तू वाकई में विवेक ओबराय ले पानी। अरे पानी पीना, कुएं की तरफ क्या देख रहा है भाई? है वो लास्ट वाली पानी पिला रही की नहला रही हो? जाओ ना। नहीं नहीं लेकिन वो नहीं, नहीं, तुमको शर्म नहीं आती दूसरे के घर में घुस करके बहू बेटियों को ताड़ते हुए? गलत आदत है, करियर चौपट हो जाएगा तुम्हारा। तुम बताओ पैसे कितने हुए? अब आपसे पैसे की बात करनी क्या, जो समझ में आए दे दीजिए। अरे नहीं ऐसे कैसे, मैं तो सबको भरपूर पैसे देता हूँ, पूरा मोहल्ला जानता है भाई। मुझे अगली बार अपना एसी ठीक करवाना है। सुनो पर्स ले आओ जल्दी से। भाई मैं अपने एसी का बटन दबा दबा के ना 16 से नीचे आता ही नहीं, 0 पे कर दे स्विट्जरलैंड। क्या हुआ भाई? सुन प्रकाश तू कंफ्यूज ना हो, तेरी भाभी एक है, रूप अनेक है बेटा, समझोगे नहीं? तुम चले जाओ गिलास दे। सुन पान वाले को बोल दियो मैं नहीं आऊंगा। तुम क्या ये कर रही हो है? अब पोस्टर बना के टांग दे क्या कि एक आदमी को एक ही बीबी टैकल करेगी? अरे लोग पागल हो जाएंगे, हादसे में मर जाएंगे। अभी इलेक्ट्रीशियन है तो हादसा दिए जा रही हो तुम। चल जाओ। आई एम हियर फॉर लाइफ टाइम। टेक इट हां, टेक इट हां। यस मैम, विल कॉल यू बैक। हाउ मे आई असिस्ट यू सर? बस इतनी मदद करना कि मेरी कोई मदद मत करना। सर 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 हाउ मे आई असिस्ट यू? बाय द वे जी, आई एम बिहारी, दिल्ली से दिल्ली। ओके। और नाम है डाकू अंसारी। डॉक्टर याकूब अंसारी। बड़ी दूर से आए हैं, तुम्हारे लिए आए जी। बड़ी दूर से मतलब है कि मोकामा घाट बिहार से आए हैं। अच्छा। तुम्हारे लिए मतलब है अल्ट्रासाउंड का ट्रेनिंग लेने आए, पढ़ाने की उम्र में पढ़ने आए हैं। सुना है कि आजकल हर उम्र के युवक को ट्रेनिंग दे रही हो तुम? सही पकड़े हैं सर। पकड़े ही कहाँ हैं जी? दोगी क्या एडमिशन? भाई स्टूडेंट है। आपका एडमिशन हो सकता है, मैं आपको डिटेल्स दे देती हूँ और आप ये फॉर्म। अरे कहाँ, जब दिल मिल गया है तुम फॉर्म वॉर्म का आदान प्रदान छोड़ो। अब इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, किसी कोने खोपचे में बैठ के भर लेंगे फॉर्म। फॉर्म भरने में कितना टाइम? वैसे एक बात कहें जी, बड़ी कट पीस हो तुम। कट पीस मतलब? कट पीस मतलब भगवान के बनाया अलग अलग कट, अलग अलग पीस। एक अलग पीस मैं, एक अलग पीस तुम। हम दोनों जब मिल जाएंगे तो एंटीक पीस बनेगा। नाम रखेंगे बिल्किस अंसारी छोटी सी। लाइन मार रहा है मुझ पर। एक बार एडमिशन होने दो फिर बताती हूँ इस बुड्ढे को। एक बिहारी ने सोचने पर मजबूर कर दिया, मतलब मैं जीत गए। सर ये चूड़ी गिर गई क्या? थैंक्स। ड्रेसिंग सेंस सटीक है आपका? बिल्कुल सर। प्लीज आप वहाँ बैठिए ना। मैडम मौसम को देखते हुए बनाया गया आपका ये कपड़ा, हवादार, कहीं पेड़ न उग जाए इस पे। ग्रीनरी, ग्रीन इंडिया है।
वहां बैठिए ना। अब उठना बैठना तो तुम्हारे ही कहने से होगा बहू। बहू एक बात बताओ, इतनी एसिया लगी हुई है, एकदम हिमालय पे बैठी हो तुम, क्या कंबल साथ लाती हो तुम? सर सर बैठिए 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 सर, कंबल की जरूरत नहीं है, मुझे आदत सी हो गई है। सर आप ये फॉर्म भरिए ना, जितना जल्दी आप ये फॉर्म भरेंगे उतना जल्दी आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। जी जी जी, फिर उतना ही जल्दी खत्म भी तो होगी। जी जी जी, फिर आप अपने घर जाके अपने बीवी बच्चों से पोते पोतियों से आराम से मिल पाएंगे। प्लीज ये फॉर्म भरिए सर। किससे बात कर रही हो? आप ही से सर। अरे हमारे अब्बू तो कल ही निकले हैं हमारे लिए लड़की देखने। अच्छा, और जहाँ तक दिल का सवाल है, हमने भी दिल लगाया है। जी जी, हमने अब्बू से वादा किया था जिस दिन डॉक्टर बन जाएंगे मोकामा घाट में अपना क्लिनिक खोलेंगे, वहाँ के लोगों की सेवा करेंगे, और जी भर के सेवा कर रहे हैं हम।